प्रथम तहलका न्यूज। प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मंत्री अनिल विज ने कई तरह के प्रयास किए हैं। उन्होंने समय समय पर कई तरह की नई योजनाओं पर काम किया ताकि कोरोना काल में जनता को सुरक्षित रखा जा सके। उनकी कोशिशों का ही असर है कि हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी से घटे और जनता सुरक्षित रही। तो वही अब मंत्री अनिल विज ने इस बीच और एक नया कदम उठाया है। उनकी माने तो आगामी 15 जून से हरियाणा में एक सीरो सर्वे शुरू होने जा रहा है, जिसके मुताबिक हरियाणा की जनता में एंटीबॉडीज के बारे में पता लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार सीरो सर्वे 6 साल से ऊपर की आयु के बच्चों से शुरू किया जाएगा। इस सर्वे में लोगों में एंटीबॉडीज की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में कोरोना की जिस तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही है, अगर वो लहर आई तो उससे बचाव के बंदोबस्त भी किए जा सके। 15 तारीख से हरियाणा में सीरो सर्वे हम करवाने जा रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि कितने प्रतिशत हरियाणा की जनता में एंटीबॉडी बन चुकी है, चाहे वो वैक्सीनेशन के कारण बनी हो, चाहे कोरोना संक्रमण के कारण बनी हो, उसका हमें अंदाजा लगता है। और भविष्य में हमने वैक्सीनेशन की क्या प्लानिंग करनी है, किन क्षेत्रों में, किन वर्गों में ज्यादा जोर देना है, वो प्लान करने में हमें मदद मिलती है। और इस बार का जो सीरो सर्वे है, ये 6 साल से ऊपर के बच्चों का भी किया जाएगा, ताकि उनमें कितनी एंटीबॉडी है उसका भी अंदाजा लगाया जा सके। और जो कहा जा रहा है कि कोई तीसरी लहर आएगी, उसके लिए भी हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकते। बता दें कि सीरो सर्वे की शुरुआत देश में बीते साल कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान हुआ था, जिसमें कि कोरोना महामारी के फैलाव का पता लगाया गया था। तो वहीं अब ये सर्वे लोगों में बनी एंटीबॉडीज के बारे में पता लगाने के लिए किया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।